दोस्तों नमस्कार, मैं मृत्युंजय आपका स्वागत करता हूं हमारे इस चैनल सटीक परामर्श में। और देखिए, ये जो ब्रांड का नाम आपके सामने दिखाई दे रहा है गुड जंक्शन बोल के, तो अगर आप में से कोई गोरखपुर सिटी में रहता है या गोरखपुर में कोई बिजनेस करना चाहता है, जो कि मान लीजिए किसी शॉपिंग कॉम्प्लेक्स का हो, या कोई अपना प्रोडक्ट चला रहा हो, या कोई अपना स्टोर चेन खोल रहा हो, तो उसके लिए ये ब्रांड नेम काफ़ी अच्छा है और ये नाम बहुत ही आसानी से उसको ट्रेडमार्क में मिल सकता है। हम लोगों ने इसका रिसर्च वगैरह जो भी रिपोर्ट चीज़ है सारा कुछ निकाल लिए हैं। तो अगर आप कोई कंपनी चलाते हैं, चाहे वो पार्टनरशिप हो, प्रोप्राइटरशिप हो, या मान लीजिए अपना प्राइवेट लिमिटेड कंपनी हो, तीनों में से कुछ भी हो, तो आप चाहें तो ये ब्रांड को परचेस कर सकते हैं। और परचेस करके इसके नाम से अपना शॉप ओपन करना हो या प्रोडक्ट निकालना हो तो निकाल सकते हैं, क्योंकि काफ़ी अट्रैक्टिव नेम है गुड जंक्शन बोल के, देखिए, और लोगो भी इसका बना ही हुआ है। तो इस तरीके का पूरा ये जो लोगो और ये जो नाम है दोनों आपको एक साथ मिल सकता है। आप चाहें तो ये परचेस कर सकते हैं और अपना रेडीमेड ब्रांड बना सकते हैं, क्योंकि अच्छा नाम कॉम्बिनेशन है और मिलना हमेशा मुश्किल होता है। तो ये सेल में है, आप चाहें तो इसको खरीद लीजिए और ख़रीद के गवर्नमेंट से रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। तो अगर आप ख़रीदने के बाद भी अगर गवर्नमेंट से रजिस्ट्रेशन करवाना चाहते हैं एज ए ब्रांड, तो ट्रेडमार्क में हम लोग प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप और LLP, ये तीनों मोड में ही लोगों का ये चीज़ रजिस्ट्रेशन करवाते हैं, जो कि IP इंडिया से होता है ट्रेडमार्क जो होता है, और लोगो रजिस्ट्रेशन जो होता है कॉमर्शियल डिपार्टमेंट से। तो हम लोग अटॉर्नी हैं, और अगर आप गोरखपुर में हैं, ये नाम आपको अच्छा लग रहा है, तो आप ले सकते हैं, लेके अपना काम कर सकते हैं। अब ख़रीदने के लिए आपको क्या चाहिए होता है, अपना पैन कार्ड, अपना आधार कार्ड, अपना कंपनी का नाम जिसके नाम से आपका बिलिंग हो सके, ये तीनों चीज़ें आपकी होनी चाहिए अगर आप प्रोप्राइटरशिप में लेना चाहते हैं। अगर आप पार्टनरशिप में लेना चाहते हैं तो आपके कंपनी का नाम, कंपनी का पैन कार्ड, कंपनी का करेंट अकाउंट और कंपनी के नाम से जो बिलिंग होगा वो होगा। अगर आप प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के नाम से लेना चाहते हैं तो आपके प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का नाम और एड्रेस और डायरेक्टर का नाम जो भी होगा, ऐसे ये डॉक्यूमेंट्स देके आप चाहें तो ये ब्रांड खरीद सकते हैं। और ये ब्रांड खरीद के आप अपने खुद के ब्रांड नेम के जगह ये नाम यूज़ कर सकते हैं, या दोनों को मर्ज करके एक सिंगल एंटिटी बना सकते हैं, ताकि आपका काम अच्छा हो, व्यापार अच्छा हो। दोस्तों, इस तरीके का नाम का जो रिसर्च है वो हम लोग लाते रहेंगे। और इसमें देखिए कंपनी का QR कोड भी दिया हुआ है, तो आप ये QR कोड स्कैन करके भी पे कर सकते हैं, जो कि कंपनी के नाम से है, ताकि आपको पेमेंट में कोई दिक्कत ना आए, या किसी तरीके का मान लीजिए कोई चीज़ गलत ना हो, क्योंकि कंपनी के नाम से जब आप पेमेंट कीजिएगा तो वो उसका आपके पास ऑथोराइज होता है कि अगर कुछ गलत होता है तो आप उस पर केस वगैरह भी कर सकते हैं, क्योंकि इंडिविजुअल काम ठीक है, मगर लेन देन का नाम कंपनी के नाम से हो तो ज़्यादा अच्छा है।